नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन से पहले मेरे पिछले 3 बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध और बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करने हैं, दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो x² - 2x - 8 हमारे पास है। सबसे पहला जो स्टेप जो हम करते हैं वो ये है कि x² के साथ, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए अपनी तरफ से हम लगा देते हैं 1। उसके बाद जो पहला स्टेप था बच्चों, वो हमें ये बताया गया था कि फर्स्ट इस 1 को, x² के गुणांक को, इसको गुणांक कहते हैं, इसको भी गुणांक कहते हैं, x के साथ जो भी संख्या है, x² के गुणांक को इस -8 के साथ गुणा कर देंगे। तो 1 को जब -8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। इस नंबर को याद रखना। अब हमने 8 के फैक्टर बनाने हैं। 8 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 × 8 8 होता है, 2 × 4 8 होता है, और किसी पहाड़े में 8 नहीं आता। अब हमने देखना है बच्चों, बीच वाली संख्या है -2, तो हमने देखना है इन दोनों में से किसको प्लस या माइनस करके 2 आता है। तो क्लियरली 8 को प्लस करके 9 और माइनस करके 8 में से 1 को माइनस करके 7 आएगा, हमें ये जोड़ा नहीं चाहिए। अगला जोड़ा है 2 × 4, 4 और 2 को प्लस करके 6 आता है और 4 और 2 को माइनस करके आता है 2। इसका मतलब हमें ये वाला जोड़ा चाहिए क्योंकि बीच वाली संख्या 2 है। इन दोनों को माइनस करने से 2 आ रहा है, प्लस या माइनस करने से बीच वाली संख्या जो आएगी वही जोड़ा हमने लेना है। तो इसके स्टेप्स क्या थे, हमने आपको पहले भी बताया था। पहली रकम ऐसे ही लिख लेनी है, आखिरी रकम ऐसे ही लिख लेनी है, जो बीच वाली रकम है इसकी जगह पर जो जोड़ा लिया वो लेना है और साथ में उसके एक्स लगा देना है। तो इस 2 के साथ भी एक्स और 4 के साथ भी एक्स, 2 के साथ भी एक्स और 4 के साथ भी एक्स। अब हमें देखना है कि इस 8 के साथ जो गुना करके 8 आया था, इसके साथ निशान कौन सा है? माइनस। माइनस का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, माइनस का मतलब ये होता है कि इन दोनों के निशान उल्टे होंगे, एक दूसरे से उल्टे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो देखने के लिए हम देखेंगे इसका निशान, -2x का। -2x का जो निशान है वो है माइनस, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसके साथ माइनस लगा दो। अब 2x और 4x में से 4x बड़ा, इसके साथ माइनस, तो इसके साथ इसका उल्टा निशान आ जाएगा यानी प्लस। ये सिंपल सी चीज आपने करनी है ध्यान से। अब हमने क्या किया था, अब हमने इन दोनों का एक अलग जोड़ा बनाया था और इस जोड़े में से हमने देखा था कि इन दोनों में x कॉमन है ना, यहां भी x है यहां भी x है, तो x² में से x कॉमन चला गया तो बाकी रहता है x, 2x में से x बाहर चला गया बाकी बच गया 2। अब यहां भी देखें तो ये दूसरा एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसमें से देखें ये 4 है ये 8 है, यहां दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन, ये भी 4 के पहाड़े में जाएगा, 8 भी 4 के पहाड़े में जाएगा तो 4 कॉमन। अब -4x में से -4 बाकी बचा, बाहर चला गया तो बाकी बचा x। उसके बाद है देखो -8, -8 में से जब -4 बाहर चला गया यानी बाहर 4 कॉमन हो गया तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 कटा 2, 4 × 8 तो, लेकिन प्लस का 2 आया क्योंकि माइनस से माइनस कट चुका तो ये आ जाएगा +2। बहुत से बच्चे यहाँ माइनस लगा देते हैं इसीलिए मैंने ये करके दिखाया है। अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर, अब देखेंगे कि ये पहला जोड़ा है इसमें से भी x+2 आ रहा है और दूसरा जोड़ा है इसमें से भी x+2 आ रहा है, तो मैं x+2 को कॉमन ले लूंगा और पहले जोड़े में से x+2 बाहर चला गया, ये देखिए ये पहला जोड़ा है इसमें से x+2 बाहर चला गया तो बाकी बच गया x। इसी प्रकार से दूसरे जोड़े में से x+2 बाहर चला गया तो बाकी बच गया -4, और यदि x+2 x × x - 4 ये हमारे पास आ गए तो इसके जो शून्य आएंगे इनको 0 के बराबर रख दो, x+2 को 0 के बराबर रखो और x - 4 को भी 0 के बराबर रखो, तो x = 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके 0 में से माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 माइनस किया तो आ गया x - x = -2।
ऐसे ही चार यहां एक्स के साथ माइनस हो रहा है, जब ये जीरो के उधर जाएगा तो जीरो प्लस चार हो जाएगा प्लस चार, तो एक्स बराबर आ जाएगा चार। ये हमारे दो शून्यक आ गए, ये हमारे दो शून्यक आ गए। इस बात का ध्यान रखना कि ये दो शून्यक आए हैं हमारे। अब हमें करनी है शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप यहां लिखना शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि अब इसके बाद आप क्या कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस बी बटा ए के। शून्यकों का योग किसके बराबर था, माइनस बी बटा ए के। अब आप अपने वाले बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस आठ, यह मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस आठ, जो स्टैंडर्ड हमारा पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां से यदि आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो देखेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, वन, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है ए, इसका मतलब ए किसके बराबर आ गया, वन के। एक्स के साथ है माइनस दो, एक्स के साथ है बी, तो बी किसके बराबर आ गया, माइनस दो के। इसी प्रकार से बिना एक्स वाली रकम है माइनस एट और यहां है सी, तो सी किसके बराबर आ गया, माइनस आठ के। इस हिसाब से आप माइनस बी बटा ए निकालो, शून्यकों का योग है माइनस बी बटा ए। माइनस बी, माइनस पहले ये वाला, उसके बाद बी में भी माइनस है माइनस दो, बी के निशान में भी एक माइनस है, तो यहां दो माइनस हो गए इसलिए ब्रैकेट डाल दी, बटा ए, ए किसके बराबर है, वन के। तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस टू अपॉन वन। ठीक है, इसी प्रकार से, और वैसे यदि आप शून्यकों का योग निकालें तो शून्यक पहला है माइनस दो, दूसरा शून्यक है चार, दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, चार में से दो निकाले दो, साइन बड़ी रकम का प्लस प्लस टू। देखो यहां भी दो को एक से भाग करके आ रहा था दो, और यहां भी इसको सॉल्व करके भी आ रहा है दो, देख पा रहे हैं आप, ये भी दो ये भी दो आगे ना। शून्यकों का योग चाहे फार्मूले से कर लो चाहे शून्यकों को प्लस करके कर लो, दो ही आ रहा है, इसका मतलब ये तो संबंध स्थापित हो गया। अब हमें ये देखना है शून्यकों का गुणनफल, ये रफ वर्क है, शून्यकों का गुणनफल फिर से, गुणनफल का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अब आप यहां से देखें तो सी किसके बराबर है, माइनस आठ के, बटा ए किसके बराबर है, एक के। तो माइनस आठ को जब एक से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आठ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, माइनस आठ को एक से भाग करेंगे तो माइनस आठ आ जाएगा। अब वैसे हमारे जो शून्य आए थे कौन कौन से आए थे, ये देखो ये शून्य कौन से आए थे, माइनस दो और चार, इनका गुणनफल ही तो है, तो इसको गुना भी करके देख लेते हैं, माइनस दो गुना चार, चार दुनी आठ, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब फिर से देखो कि शून्यकों का गुणनफल जब हमने सी बटा ए फार्मूले से किया तो हमारे पास आया माइनस आठ, और जब शून्यकों को आपस में सच में गुना करके देखा तब भी आया माइनस आठ, तो योग भी सेम आ रहा है, गुणनफल भी सेम आ रहा है, अतः हमने जो क्वेश्चन था शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता स्थापित की जांच कीजिए। तो आप यहां लिख दीजिए सत्यता स्थापित हुई, इतना ही लिख दीजिए कि सत्यता स्थापित हुई, किसकी सत्यता स्थापित हुई, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की।
ठीक है बच्चों, बस इतना ही काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मैं मानता हूं, लेकिन आप मुझे समझाने में भी थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इस वीडियो को बार 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 देखना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।